तो गृह मंत्री अनिल विज का ये बड़ा बयान आया है, विधायकों को धमकी मामले की जांच एसटीएफ करेगी, धमकी देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। विज का ये बयान, दुबई के नंबर से आया है ये धमकी भरा फोन, हरियाणा में विधायकों को गैंगस्टरों ने ये धमकी दी है। तो ये बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायकों को धमकी के मामले पर एसटीएफ जांच करेगी, अनिल विज का ये बड़ा बयान, धमकी देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, विज ने ये बयान दिया है। वहीं दुबई के नंबर से ये धमकी भरे फोन आए हैं। तो हरियाणा में विधायकों को गैंगस्टरों ने धमकी दी है, जिसके बाद अनिल विज सतर्क नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि एसटीएफ उसकी जांच करती नजर आएगी। वो धमकियां है, बाहर के फोन से आई है, दुबई के एक ही नंबर से तीनों को आई है धमकी, तो वो हमने एसटीएफ को केस दे दिया। एसटीएफ हमारी बड़ी एक्सपर्ट टीम है, तो वो उसको करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। किन किन विधायकों को धमकी मिली है और कहां से ये धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो संजय सिंह भाजपा के विधायक हैं सोहना से, जिनको ये धमकी भरी कॉल आई है। तो दुबई से ये फिरौती वाले फोन आए हैं, रेणुवाला कांग्रेस विधायक है सढ़ौरा से, इनको भी ये धमकी भरा फोन आया है, जिस पर अब अनिल विज सतर्क नजर आ रहे हैं। तो वहीं सुरेंद्र पवार कांग्रेस के विधायक है सोनीपत से, जिन्हें ये धमकी भरा फोन आया, गैंगस्टर इन लोगों को फोन करके धमकी दे रहे हैं। तीन विधायकों से मांगी गई है फिरौती। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या है ये पूरा मामला। तो एक बीजेपी विधायक और दो कांग्रेसी विधायकों को ये धमकी मिली है। हमने आपको बताया कि किसको किसको ये धमकी मिली है, लगातार इस पर आपको बड़ी जानकारियां दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो फिरौती नहीं दी तो जान से मारने की धमकी मिली है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि फिरौती के लिए दुबई से ये फोन आता था।